फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं ये कच्चे केले की सब्ज़ी शेयर करने वाली हूँ। वो एक तरह का भुजिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो इसके लिए आप एंड तक ज़रूर बने क्योंकि ये हेल्दी बहुत है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कच्चे केले की भुजिया। तो हमने यहाँ पर कच्चे केले ये ले लिए हैं, तो इसके क्या करना है, आपको ऊपर का जो हेड होता है और नीचे का टेल होता है दोनों को कट कर लें और इसका छिलका आप उतार लें। तो केले को हमने कट कर लिया है और इसे आप तुरंत कट करते ही पानी में डाल दें, वरना ये क्या होगा कि काला हो जाएगा। तो अब इसे यहाँ पर इस तरह आप कट कर लें, पतले पतले स्लाइसेस कर लें क्योंकि इसकी हमने भुजिया बनानी है ना। तो आप इस शेप में या लंबे शेप में भी काट सकते हैं। तो हम सारे केले को काट लें पहले। केले कट गए हैं और अब हम चलते हैं कढ़ाई पैन की तरफ और वहाँ पर इस भुजिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और साथ ही यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर सरसों का तेल या ऑयल डाल सकते हैं। तो इसे हमें भुजिया बनाना है और वो भी केले का है, फ्रूट है ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे क्यों ना हम घी में बनाएं, जिससे इसका टेस्ट भी और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसके गर्म होते ही सबसे पहले जो केले को हमने पानी में रखा था ना, उसको इसके अंदर हम डाल देंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर आप स्लो कर लें। और अब इसे हम अच्छी तरह से इसके अंदर एक दो मिनट के लिए, जब तक ये हल्का सा करारा ना हो जाए तब तक इसे हम इसके अंदर भून लेते हैं। तो कच्चे केले को हमने बहुत अच्छी तरह से लाल कर लिया है और अगर आप चाहें तो इसको और लाल करना चाहते हैं तो एक चम्मच और आप घी डाल दें, और बहुत ही करारा आवाज़ भी आ रहा होगा आपको, तो इसमें एक भी घी बचा नहीं है। तो यहीं पर मैं एक बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसको व्रत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप घी में ही बनाएंगे, और दूसरा है कि आप इसके अंदर फिर बनने के बाद, करारी वैसे होने के बाद, इसके अंदर आप काली मिर्च ऐड कर दें हाफ स्पून के करीब, सेंधा नमक ऐड कर दें, और साथ ही आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च भी ऐड कर दें, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ये आपका भुजिया जो होता है आलू का व्रत के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि बिना व्रत में इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये सारे केले को निकाल लेते हैं पहले एक बोल के अंदर। और अब हम बिना व्रत के लिए बना रहे हैं, तो आप घी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ घी डाल दिया और बहुत ही हाफ स्पून के करीब यूज़ किया है, और इसके साथ ही यहाँ पर हम जीरे को ऐड कर देते हैं, और साथ ही यहाँ पर ये लहसुन हमने लिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, उसे भी इसके अंदर डाल देते हैं, और इन सबको अच्छी तरह से हम इसमें भून लेते हैं। फ्लेम को स्लो रखें, कढ़ाई ऑलरेडी बहुत गर्म था, और इसके साथ ही यहाँ पर हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के हरी मिर्च डाल लें, जितना डालना है आपको। बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी ये बनता है कच्चे केले की भुजिया। और इसके साथ ही यहाँ पर 1/4 के करीब आप हल्दी ऐड करें पहले, और इसे ऐड करते ही हमने ये जो भुजिया बनाई थी ये आप देखें एकदम करारी बनी हुई है, तो इसको आप डाल देते हैं इसके अंदर। और इसके सारे ये जो होते हैं ना मसाले जो हमने डाले अभी, वो इसके अंदर लिपट जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक पेपर, तो उसको थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर लेते हैं ऊपर। तो आप 1/4 के करीब ये डाल दें काली मिर्च, और इसे भी हम चला लेते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर हम नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर देते हैं, और इसके लास्ट में
साथ में यहाँ पर खटाई के लिए हमने अमचूर पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास नींबू होगा तो नींबू डाल दें बटाकर। नींबू डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सैगी हो जाएगा, तो आप है ना नींबू डालने से जो करारापन है वो चला जाएगा। तो हो सके तो आप अमचूर डाल लें। और इसे आप देखिए आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो बहुत आप देखिए 5 मिनट में बनकर ये रेडी हो गया है आलू की भुजिया। और इसको और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए और इसे भून लेते। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं कच्चे केले की भुजिया की। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कच्चे केले की भुजिया बहुत ही करारी बनकर रेडी हो गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च, मैंने पाउडर इसके अंदर नहीं डाला था, ऊपर से मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिया है। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स कितना इजी ये बनकर तैयार हो गया है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। और पहली बार आप चैनल पर आए हैं, कच्चे केले की भुजिया बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। तो बहुत इजी है इसे बनाना और बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है। तो अगर व्रत हो तो व्रत के समय आप लहसुन नहीं डालें और बाकी कुछ आप इसके अंदर सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ देखने को मिलेगा। और टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।